तो आज तारीख कितना है जी? 16 फरवरी 2022। चलिए जी, अच्छी बात है। तो आईडी आपको मालूम हो गया, आपको मैंने कंपाइलर बता दिया, राइट? कंपाइलर सबको समझ में आ गया, कंपाइलर माने ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर मतलब जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री चीन चले जाते हैं समझौता के लिए और चाइनीज भाषा उनको आता नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसे पर्सन को ले लाएंगे जो कि हिंदी चाइनीज दोनों जानता है। प्रधानमंत्री भाषण देंगे हिंदी में, फिर जो ट्रांसलेटर बंदा रहेगा वो हिंदी को सुनेगा, फिर चाइनीज में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है? तो ठीक उसी तरह से हम अंग्रेजी में सोर्स कोड लिखेंगे, फिर वो देंगे हम कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, फिर कंपाइलर नाम का जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो हमारा अंग्रेजी में लिखा हुआ कोड को पढ़ेगा, रीड करेगा और 01 के फॉर्म में एक तैयार कर देगा एक सॉफ्टवेयर, जिसको कहेंगे हम सॉफ्टवेयर, इसी को कहेंगे कंपाइलर। तो 2-3 घंटे भाषण देकर मैं आपको समझा दिया था कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, आईडीई क्या है, ठीक। मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि सी लैंग्वेज का इतिहास ये है, बहुत ज्यादा मैं इतिहास नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज का इतिहास ये है कि डेनिस रिच नाम का एक वैज्ञानिक था या साइंटिस्ट था या प्रोग्रामर था, आप जो कहिए, इंसान था जिसने सी लैंग्वेज को बनाया एक बेल नाम का लेबोरेटरी में। आपको समझ में आ गया, ठीक, बेल नाम के लेबोरेटरी में तैयार किया था। ये इतिहास है। इसका भूगोल क्या है? तो भूगोल ये है सी का कि मशीन वगैरह पे जब सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है, मशीन वगैरह पे काम करना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाना है, तो आपको मैंने बता दिया था कि सी वगैरह से बनता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सी पे बनाया, काफी काम सी पे करा, ठीक है, लाइनक्स वगैरह में भी काफी काम सी में कर दिया है, ठीक है। तो सी वगैरह पे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डेवलप होते हैं, डिवाइस का ड्राइवर्स वगैरह बन जाते हैं, हार्डवेयर पे जितना काम वगैरह करना होता है, ठीक है। तो ये सब इतिहास भूगोल आपको तो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो क्या करते हैं, सी विकिपीडिया, हिंदी करता हूं, हमको अंग्रेजी कितना आता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो हमको कितना अंग्रेजी आता है आपको बहुत अच्छे से आता है। चलिए जी, यही है सी लैंग्वेज का, विकिपीडिया है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेनिस रिच ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सन इतने में बनाया। कौन कौन को मालूम है कि ये क्या लिखा है? नहीं मालूम है किसी को? नहीं मालूम आपको? हिंदी क्या क्या कह रहे हो आप लोग? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं विंडोज प्लस प्लस दबाता हूँ और ये बड़ा हो जाएगा तो दिखाई देने लगेगा आपको। क्या अरे हो ना जो इसको हो क्या, ओ मैंने की गलत प्रेस कर दिया, हाँ जी अब आप लोग को दिखाई दे रहा है ये लिखा है क्या? नहीं पढ़ रहा है? अरे हिंदी में लिखा है, सरल हिंदी है, हिंदी में लिखा है सर, 72 ने लास्ट में अभ्यासी आए, अरे अंग्रेजी में नहीं लिखा है भाई, हिंदी में लिखा है हैं, नहीं पता चल रहा है? अरे हिंदी में तो लिखा है आपकी मातृभाषा में सर, 1982। अच्छा 1982 पक्का? क्या बात है, आपने तो झंडे उखाड़ लिए जी। अच्छा गाड़ी नहीं, आपने उखाड़ लिया, 72 लिखा है भाई, हाँ आपको डाउट हो रहा है। चलिए जी, मैं इंग्लिश करता हूं तो आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, सरल हिंदी में लिखा था वो, लेकिन ये देखिए आ गया ना 72, इधर 72 लिखा है, देखिए आ गया ना 72, तो 72 था वो, ठीक है, तो 72 में किया था, ठीक है। अब 19 बोलने का तो मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो ये इतिहास भूगोल है, ठीक है, बाकी चीजें हैं ये सब, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये जो है स्टैंडर्ड एक तो प्रोग्राम बना के दे दिया है ये सब का, हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जो है, ठीक है। चलिए जी, तो मैं बंद कर दे रहा हूं इसको, सिंपल सा, ठीक है। तो सी का एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मैं इस वर्चुअल बॉक्स को ओपन करूंगा जी, ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूं मैं, ठीक है।
और आपने मुझे पेन ड्राइव दे दिया ना? चलिए, आपने मुझे पेन ड्राइव दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको एक नोटपैड चाहिए जिसमें कि आप सी का प्रोग्राम बना सके, राइट? ठीक है। और एक कंपाइलर आपको चाहिए जो क्या करेगा, आपके सी में लिखा हुआ कोड को कंपाइल करेगा और फिर आप क्या करेंगे, रन कर देंगे उस प्रोग्राम को, बन जाएगा। लेकिन आईडीई, इतना आपको काम करने से बेहतर है कि आप आईडीई एक थो डाउनलोड कर लें, ठीक है? और आईडीई डाउनलोड करने के बाद आप आईडीई से सारा काम कर लें। तो कौन सा आईडीई डाउनलोड हमें करना चाहिए जी? कई तरह के आईडीई मार्केट में है, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस है, जो कि मैंने प्रैक्टिस करा था काफी बचपन में, कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट चलाए थे, बहुत ज्यादा सी पे मैंने तो काम नहीं करा था उस समय पे, ठीक है। कुछ आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जावा स्क्रिप्ट में मैंने ज्यादा काम किया था, उसी से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर सी पे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट चला लिया, फिर जावा विजुअल बेसिक वगैरह पे, सी शार्प वगैरह पे काम करने लगा मैंने, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एरर, इसको लगता है कि मैं झुक जाएगा, चलिए अभी तक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम आईडी डाउनलोड कर लें। तो टर्बो क्या है, एक आउटडेटेड बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कोड ब्लॉक या फिर डेवलपर सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस। तो ये है आईडीई। आईडीई मतलब क्या, आप लोग को मैं बताया था, समझ गए होंगे आप लोग, जान गए होंगे। तो आईडीई का मुझे तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है। तो एक आईडीई डाउनलोड करेंगे तो क्या करेगा, नोटपैड और कंपाइलर मैंने अलग अलग आपको बोला था, कंपाइल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आईडीई डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ एक में ही मिल जाएगा, नोटपैड में मिल जाएगा, कंपाइलर में मिल जाएगा, एक क्लिक मारो कंपाइल रन हो जाएगा अपने आप सॉफ्टवेयर, बड़ा आसान होगा। कैसे होगा मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो आईडीई डाउनलोड करना पड़ेगा हमको, कैसे करेंगे, मैं कोड ब्लॉक, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, कोड ब्लॉक के बाद एक और सॉफ्टवेयर का मैं नाम लिया था ना, डेवलपर सी प्लस प्लस, मैं दोनों इंस्टॉल करके काम कैसे करना है दोनों में मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे, क्या डाउनलोड करेंगे, डेवलपर सी प्लस प्लस, डेओ सी, ठीक है। मैं क्लिक किया इस पे, आ गया यहां पे, पहला लिंक पे मैं क्लिक मारा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पे आया, ठीक है, डाउनलोड बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वो डाउनलोड होने लगेगा जी, ठीक है। आईडी फ्री सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। मैं क्या, अरे जितने एमबी का भी हो क्या फर्क पड़ता है, हमको डरते है थोड़े हैं, हमारे पास पर्याप्त इंटरनेट है, क्यों, अरे बहुत ज्यादा नहीं है भाई, देखना अभी कितने एमबी का होगा कुछ, नहीं नहीं एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर में ही है, डाउनलोड तो कई सू कर लोगे, इंस्टॉल तो कंप्यूटर पे होगा, लेकिन मोबाइल पे आप चाहो तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम चला सकते हो, ऑनलाइन कंपाइलर आता है जो है, इंटरनेट से कंपाइलर, आप ऑनलाइन कंपाइलर से आप चला सकते हो। इकाऊ हो गया, हाँ अब तो होगा डाउनलोड, नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे हम कि क्यों नहीं हो रहा है डाउनलोड। आपको समझ में आ गया हम क्या करेंगे, क्या समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो जैसा ऑप्शन आया तो एडवांस इधर पे क्लिक करने का, ठीक है, और ये क्लिक कर देने का इस पे, ठीक है। ये देखिए, अब मेरे में ना ये फ्री डाउनलोड मैनेजर जो है इंस्टॉल है, ठीक है, तो इसीलिए जो है सीधा ये डाउनलोड ये ले लेता है, ठीक है। लेकिन आप जब डाउनलोड करेंगे तो सीधा डाउनलोड हो जाएगा। कितने एमबी का है, 48 एमबी का है भाई। ये देखिए, जो जीसीसी लिखा है ना, वो जीसीसी नाम का कंपाइलर को बोल रहा है, इसमें जीसीसी नाम का कंपाइलर ऑलरेडी इनबिल्ट रहेगा। इसको हम डाउनलोड करेंगे और क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल होगा, मैं डेवलपर सी प्लस प्लस पे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना देता हूँ, फिर कोड ब्लॉक पे भी बना के दिखाऊंगा। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, ठीक, कहाँ डाउनलोडेड है मैं, ये देखिए। अब देखिए, जैसे ही मैं वहां पे कैंसिल किया तो यहाँ पे बोल रहा है सेव कर लो, सेव पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं कैंसिल कर रहा हूँ जी, कंट्रोल जे दबाऊंगा, ठीक है। तो मैं डाउनलोड जो है पहले ही कर चुका था, ठीक है, कर लू गया था, तो था कहाँ, ओह नो,
इसमें जाता हूँ, इसमें जाऊँगा, डाउनलोड में जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए डाउनलोड किया था, तो ये देखिए डेवलपर C++ है यहाँ पे, ठीक। मैं मारूंगा इस पे एंटर, ठीक है, यस पे क्लिक कर दूंगा जी। तो कैसे इंस्टॉल होगा आप लाइव देख लीजिए जी। वैसे तो आपको मैंने इतना बार आपसे डाउनलोड इंस्टॉल करवा दिया सॉफ्टवेयर की, आपको नींद में भी पता चल जाएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक। चलिए जी, तो आपने बहुत ज्यादा बार इंस्टॉल कर लिया तो आपको तो समझ में आ ही गया, ठीक है। चलिए ये अनपैकेजिंग कर रहा है, तब तक हम वेट करते हैं इसका, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूंगा, आई अग्री कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन बोल रहा है कि ये टर्म एंड कंडीशन है, तुम्हें शर्त मंजूर है तो करो एग्री, नहीं तो कर दो कैंसिल, ठीक। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं क्या करूं, काम करूंगा, मैं भी पढ़ लूंगा लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा। क्या हो गया पढ़ लिया मैं जी इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल हमें कहां करना है, ठीक है। मैं ब्राउज पे क्लिक करके कहीं और चाहूंगा तो इंस्टॉल कर सकता हूं, ठीक है। मैं किसी और लोकेशन पे कर सकता हूं लेकिन मुझे जरूरत नहीं है जी, मैं यहीं इंस्टॉल कर दूंगा, इंस्टॉल हो जा। वाह कितना बढ़िया, एक क्लिक मारा इंस्टॉल हो गया, मजा आ गया। अब क्या करेंगे, पढ़ के जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लिया करिएगा मन करेगा तो, ना मन करे तो अरे यार हम तो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते, इसमें परमिशन क्या मांग रहा है नहीं देखते, तो इसको पढ़ेंगे हम कभी नहीं। लेकिन सच में बता रहा हूँ, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन देख लिया करो, क्या क्या मांग रहे, अलाउ नहीं करना, नहीं तो आपका अच्छे से बजा देगा कोई, ठीक है। आप बोल रहे रन डेवलपर सी प्लस प्लस पाइथन 111, पढ़ा तो जाता है 5.11 लेकिन मुझे ज्यादा कंफर्टेबल होता है तब जब मैं पढ़ता हूँ 5.11, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरा यही नियम है, ठीक। हाँ फिनिश कर देता हूँ इस पे जी, अब रन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऐसा, आप करेंगे नेक्स्ट, फिर करेंगे नेक्स्ट, फिर करेंगे ओके, फिर करेंगे ये पता नहीं कुछ कुछ बोल रहा है, रिलीज ये नॉट एग्जिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं यस करूँ नो करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नो कर देता हूँ। ये आके रेडी हो गया आपके समक्ष, प्रस्तुत हो गया आईडी, अब कह रहा है आपसे सरकार जल्दी से प्रोग्राम बनाना शुरू कर दीजिए, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप न्यू पे जाइए, न्यू पे करिए और सोर्स फाइल पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए इस पे क्लिक करिए और सोर्स फाइल पे क्लिक कर दीजिए तो नया बन जाएगा। इसको मैं यहां से क्लोज कर दूंगा, ये आ गया, ठीक। तो ये एक नोट पैड जैसा जगह मिल गया ना, मिल गया जी नोट पैड जैसा जगह, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक। आपको प्रोग्राम ये समझ में नहीं आएगा पर नो प्रॉब्लम जी, मैं प्रोग्राम आपके समक्ष लिख रहा हूँ। प्रोग्राम में क्या क्या लिखा जाएगा, किस लिए लिखा जाएगा, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक। अभी मैं सिंपल सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जिससे कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, हेलो मैं इंस्टॉल होकर रेडी हूँ, काम कर लो, ठीक। तो मैं लिखता हूँ कोड हैज इंक्लूड, ऐसे ना करके मैं ऐसे कर दूंगा, STDIO मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, राइट। ऐसे किया नीचे आया, यहां पे करूंगा INT या फिर void भी मैं कर सकता हूं यहां पे ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं void ही कर देता हूं, मेरे को ज्यादा आसान होगा। मेन ऐसे किया और जैसे मैं curly braces ऊपर का एक ठो लगाया, ठीक है, ऐसे अपने आप नीचे लग के रेडी होगा, कितना बढ़िया है। आपने देखा था ना HTML में, बस क्लोजिंग अपने आप हो जाता था, हम सिर्फ ओपनिंग करते थे, तो बढ़िया एक टेक्निक्स है, ठीक है। ये मैंने किया, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, कुछ मैसेज देना चाहता हूँ स्क्रीन पे, तो लिखूंगा फंक्शन PRINT प्रिंट एप ब्रेकेट बंद पैरेंथेसिस, ठीक है, डबल कोट यहाँ पे लिख दूंगा हेलो यूजर आई एम रेडी READY, स्पेलिंग यही है ना, ग्रामेटिकली सही है ना, आई एम रेडी फॉर डेवलप सी प्रोग्राम। मैंने इतना लंबा चौड़ा रिप लिखा और क्या करूंगा कंट्रोल एस दबाऊंगा, इसको सेव करूंगा, ठीक है। मैं कहां सेव कर लूंगा, ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, मैं यहीं पे सेव कर लेता हूं, ठीक है।
अब यहां पे आप सेव करूंगा तो मैं एच ई एल एल ओ हेलो डॉट सी। ध्यान रहे आपको, आप जब भी सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो डॉट एक्सटेंशन के साथ सी होगा। जैसे एच टी एम एल में डॉट एच टी एम एल लगाना आपको बोलता था, ऐसे ही डॉट सी नाम से सेव करेंगे। मैं सेव कर दिया, राइट। अब मैं क्या काम करूंगा, एग्जीक्यूट ऑप्शन में आऊंगा और कर दूंगा कंपाइल। यहां पे रन होगा, फिर कंपाइल एंड रन एक साथ हो जाएगा। तो कंपाइल में पहले करूंगा तो क्या होगा, आप देखना जी क्या होगा। विंडोज राइट एरो दबाया, ये शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है, और कंपाइलर ऐसा कर लूंगा यहां पे, ठीक है। मैं आऊंगा ऐसे यूजर्स नाम के फोल्डर पे जाऊंगा जी। पब्लिक फोल्डर पे नहीं जाना चाहिए मुझे, मुझे आना चाहिए यहां, यहां पे है डॉक्यूमेंट, ठीक। तो मैं जो आपको बोला था ना सोर्स फाइल, मैं प्रोग्रामिंग अंग्रेजी में करूंगा वो सोर्स फाइल कहलाता है, ठीक है। आपने जो सोर्स कोड लिखा है अंग्रेजी में उसको कहा जाता है सोर्स कोड, राइट। नोटपैड ओपन कर लेता हूं इस सोर्स कोड को, ठीक। ये देखिए यही चीजें मैं लिखा हूं इसमें, ठीक है। तो ये है मेरा सोर्स कोड, सोर्स फाइल है। अब इसको मैं करूंगा कंपाइल, ठीक। यहां पे आया, इस पे आया, कंपाइल पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये कंपाइल करेगा। इकाउ बोल रहा है जी, मस्ट बी रिटर्न इंट, मैंने वॉइड लिख रखा है जी, तुमको ये बातें समझ में नहीं आता। चलो थोड़ी देर के लिए इसका बात मैं मान ले रहा हूं, बाद में इससे बदला लूंगा मैं, ठीक है। रिटर्न जीरो कर देता हूं, ठीक है। सेव कर दिया इसको मैंने कंट्रोल एस दबा करके, ठीक है। अब आप देखना, एग्जीक्यूट पे आता हूं और यहां पे काम करता हूं कंपाइल, ट्रांसलेट का काम कर रहा हूं मैं। अब क्लिक मारा, ओ नो मैं भूल क्यों गया, सेमी कॉलन भी लगता है। कंपाइल पे क्लिक करा मैंने, ये देखिए कंपाइल हो चुका यहां पे। और आपने लाइव ध्यान अगर दिया होगा तो यहां पे hello.exe नाम का सॉफ्टवेयर बनके रेडी हो गया हमारा, मतलब ट्रांसलेट सक्सेसफुल, सक्सेस ट्रांसलेट हो गया। अब इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये चल गया था, देखा आपने चल गया था। उसको रोक के रखना है तो हम क्या करेंगे जी, गेट सी एच ऐसे करके, ऐसे कर देंगे सेव करके। अब फिर से मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, ये देखिए क्या क्या कर रहा हूं मैं, नहीं समझा। स्क्रीन रुक नहीं रहा है ना अभी भाई, इसमें मैं डबल क्लिक कर रहा हूं और तुरंत रन हो जा रहा है और गायब हो जा रहा है जी, ये तो बहुत ना इंसाफी है ना, है बहुत ना इंसाफी। तो हमें क्या चाहिए कि हमें रोकना है स्क्रीन, ठीक है। तो रुक नहीं रहा है, मैं गेट सीएच को हटा देता हूं। आप प्रश्न पूछेंगे लंबा चौड़ा ये गेट सीएच क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो मैं हटा देता हूं अभी उस फंक्शन का इस्तेमाल ना करके, मैं रन करता हूं अपने आईडीई से ही। तो रन जैसे ही किया ये देखिए, तो इस सॉफ्टवेयर को जो है मेरा आईडीई ही चला दिया, ठीक, आईडीई मेरा चलाया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, देखिए आ गया ना यहाँ पे, हेलो यूजर आई एम रेडी फॉर डेवलपमेंट सी प्रोग्राम, आ गया यहाँ पे। एंटर करूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक। तो इसको डॉस से चला के देखें क्या चलेगा, डॉस से चला के देखते हैं चलाने में क्या जाता है, क्यों एच ई टैब मारा, ये देखिए एंटर मारा, ये देखिए डॉस के थ्रू मैं चलाया, रन किया प्रोग्राम को, तो देखिए आ गया हेलो यूजर आई एम रेडी फॉर डेवलपमेंट सी प्रोग्राम, आ गया, चल गया प्रोग्राम। तो ये देखिए exe फाइल बन गया, इस ऐसे ही डेवलपमेंट होगा सी के प्रोग्राम का, ठीक। ऐसे ही डेवलपमेंट होगा किससे, डेवलपर सी प्लस प्लस से आप प्रोग्राम ऐसे बना के रेडी कर लेंगे आप, राइट। अब मैं आपको क्या बता देता हूं, कोड ब्लॉक के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाएंगे आप, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट मारता हूं, क्लोज कर दिया, ठीक है। कोड ब्लॉक से कैसे होगा हम जान लेते हैं, मैं फिर से यहीं पे आऊंगा, ठीक है, और यहां पे आऊंगा लिखूंगा CODE कोड ब्लॉक्स, सी कोड ब्लॉक फॉर सी या सी प्लस प्लस कुछ और लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। पहला लिंक पे मैं क्लिक करूंगा codeblock.org। अच्छा आप लोगों ने पूछा था ना कि मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर मोबाइल से तो मैं डाउनलोड कर लेते हैं हम प्ले स्टोर से, लेकिन कंप्यूटर में कैसे,
तो कंप्यूटर में अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाता है। लेकिन अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नहीं जाना है, दिक्कत होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए उस सॉफ्टवेयर को आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कोड ब्लॉक का सॉफ्टवेयर चाहिए तो कोड ब्लॉक जो है वो अपना खुद का एक वेबसाइट बना रखा है और उस वेबसाइट पे अपना सॉफ्टवेयर को डाल रखा है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है। फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर के वेबसाइट पे जाके कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखूंगा वीएलसी, एंटर मारा, ठीक है, और वीएलसी का है, देखिए वीडियो लोन आ गया, वीएलसी फॉर विंडोज, ठीक है। सो इसी तरह से उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे कोड ब्लॉक आ गया, मैं डाउनलोड वाले पे क्लिक करूंगा तो कहां, किस यूआरएल पे जाऊंगा, कोड ब्लॉक स्लैश डाउनलोड्स नीचे आपको दिख रहा है, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा तो इसी पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिर से वही बोलने लगा ये, नो प्रॉब्लम जी, मेरा साथ क्रोम थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है मुझे को, ठीक है, ये सब आ गया है जी, ठीक है। सी ऑल्सो क्या बोल रहा है, मैं इसी में क्लिक कर देता हूँ बाइनरी रिलीज वाले पे, ठीक है, इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा आ गया जी, इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गया। अब क्या है ना कि यहाँ पे इतने सारे सॉफ्टवेयर है तो लोग यहाँ पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं जी, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कि मेरा काम बन जाए, मजा नहीं आ रहा है, डाउनलोड तो हमने सॉफ्टवेयर किया लेकिन कंपाइल रन नहीं हो रहा है, क्या करें, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना चाहिए, इन सबको सीधा डाउनलोड ना करो, ठीक है, इधर आसपास कुछ लिखा हुआ है नोटबुक में, ठीक है, तो ये सारे नोटबुक में कुछ कुछ लिखा है अंग्रेजी में, ये ना मेरे समझ से परे है जी, सच बताऊं तो मेरे को सिर्फ इतना समझ में आता है कि जीसीसी नाम का कंपाइलर जिस आईडीई में इनबिल्ट हो उस आईडीई को हमें डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा है, फाइल एडिशनली द जीसीसी जी प्लस प्लस जी फोटोन कंपाइलर पता नहीं क्या क्या, ठीक है, मतलब मीन जीडब्ल्यू, इस वाले को आप डाउनलोड कर लो जी, ठीक है। तो इस वाले में मैं कंपाइलर दे दूंगा, कुछ ऐसा मतलब होगा इसका, ठीक है, मतलब ये वाले सेटअप वगैरह को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मीन जीडब्ल्यू 20 है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मीन जीडब्ल्यू 20 ये वाला है ना सॉफ्टवेयर हमारा, यहां पे ये जिप फाइल में है, सेटअप डॉट जिप यहां बोल रहा है, मैं क्या काम करूंगा, इस वाले को डाउनलोड कर लूंगा जी, यही है ना, नीचे जो है ये वाला, ये जो बोल रहा है वो यही है ना, ये वाला, तो इसी सेटअप को मैं डाउनलोड कर लूंगा जी, ठीक। कैसे डाउनलोड करूंगा, बाकी को छोड़ दो जी, वैसे बाकी 32 बिट का है सिस्टम, 64 बिट का है, तो मैं इसी को डाउनलोड कर लूंगा, सोर्स फ्रॉम डॉट नेट पे मैं क्लिक किया, ठीक है, आप नोट वोट पढ़ लिया करना, ठीक है। अब यहां पे आ गया, ठीक, अब ये बोल रहा है थोड़ा देर रुको तो मैं कुछ करता हूं, मैं बोल रहा हूं रुक जा रहा हूं भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से बैठा हूं इधर, ठीक। अब ये फिर से जो है मेरा खोल दिया फ्री डाउनलोड मैनेजर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये घूमेगा थोड़ी देर, ठीक है, ये देखिए अब आ गया, बोल रहा है 45 MB का जी सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करना चाह रहे हो, मैं करके रखा हूं इसलिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, यही सॉफ्टवेयर मैं डाउनलोड करके रख लिया हूं, ठीक है, कैंसिल करूंगा, ठीक है, इसको भी कैंसिल करूंगा, ठीक है। तो ये फिर से यहां भी डाउनलोड करने का ऑप्शन कुछ दे रहा है, छोड़िए इसको हटाइए, आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक। अब मैं डाउनलोड करके रखा हूं, वो कहां है आप देख लीजिए जी, ठीक है, यूजर इसमें जाऊंगा, फिर कहां जाऊंगा, डाउनलोड नाम के फोल्डर में, ठीक है, नहीं यार ये तो नहीं है, डेस्कटॉप पे मैं आ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या, यहां पे आऊंगा, ठीक। तो यही वो था ना, ये कितने एमबी का है, 48 MB का, यहां पे 45 MB दिख रहा है, वहां पे भी 45 MB ही था क्या, कितने एमबी का था, 145 MB वहां भी था ना, तो वही वाला सॉफ्टवेयर मैंने ये डाउनलोड कर रखा है इधर, इसमें मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक। चलिए जी मैंने डबल क्लिक कर दिया है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, आ गया कोड ब्लॉक, क्या बात है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आई एग्री पे क्लिक करूंगा, आप भी इसको पढ़ लिया करो, ठीक है, आई एग्री, नेक्स्ट। अब जैसे मैं यहां पे बोला था कि ब्राउज पे क्लिक करिए और बदल सकते हैं आप अपना लोकेशन वोकेशन जहां पे इंस्टॉल करना है,
ठीक है, मैं नहीं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर स्पेस बता रहा है इतना, इतना ज्यादा इसको स्पेस चाहिए, 500 MB इसको मैं दूंगा, इसको लगता है कभी नहीं हो सकता, 23 GB खाली है, 500 MB इसको जगह चाहिए, मैं 500 इसको जगह नहीं दूंगा तो क्या करूंगा, बिना 500 MB जगह के हो जाएगा डाउनलोड इंस्टॉल? नहीं जी, नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, अभी इंस्टॉल कर लेता हूं, आपको दिखाने के बाद डिलीट कर लूंगा। बढ़िया तरीका है ना। हाँ चलिए, धड़ धड़ होने लगा डाउनलोड, कितना फास्ट हो रहा है ना। ये साहब चालू हुए हैं क्या? ये साहब तो चालू ही नहीं हुए जी। ए? नाराज हो गया? ओ नो, ये तो मजा नहीं आया, ये नाराज हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ जी, पावर ऑफ, ठीक है, और मैं फिर से इसको चालू कर दूंगा स्टार्ट पे। हो रहा है, हम वेट करते हैं तब तक, ठीक है। तो इस सब का रिकॉर्डिंग भी अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोग जो है रिकॉर्डिंग भी देख लिया करना, ठीक है, ताकि आप बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, अरे मेरा पब्लिक सिटी होगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ ना। हाँ तो ठीक है जी, आप लोग रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करूँगा, आप लोग देख लिया करिएगा, कहीं भी दिक्कत आएगा तो, और दिक्कत आएगा तो कहीं भी पूछ लिया करिएगा। अच्छा अभी कोई प्रश्न है आपको? अभी तो मैं कुछ बताया ही नहीं हूँ कि कोई प्रश्न होना चाहिए। चलिए जी इंस्टॉल हो जाए। अच्छा मैं आपको बोल रहा था कि अलग अलग कंपाइलर लाऊंगा मैं GCC नाम का, तो फिर क्या बोलते हैं उसको, नोटपैड से कंपाइल करूंगा तो रन करूंगा, ऐसा बोल रहा था ना। तो इसमें तो मैंने IDE इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, मैं लिनक्स में क्या करता हूं कि कंपाइलर इंस्टॉल करूंगा और फिर नोटपैड से प्रोग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि Ubuntu में कैसे, Linux में कैसे C++ का हम प्रोग्राम कंपाइलर लाके इंस्टॉल करके बनाएंगे, ठीक है। मैं C++ बोल रहा हूँ क्या? मैं C++ बोल रहा हूँ, C++ बोल रहा हूँ, हाँ तो मैं C पढ़ा रहा हूँ, C++ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मैं गलती से बोल दिया हूँ, मैं अभी आपको C बता रहा हूँ, लेकिन C और C++ कुछ सिमिलर हैं, कुछ सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है पर कुछ सिमिलर है, कोड लिखने का तरीका, कुछ इनहेंसमेंट आया है C++ में, ठीक है जी। तो अब ये देखिए, ये यहां पे हो चुका है पूरा, अब ये क्या बोल रहा है, डू यू वॉन्ट टू रन कोड, स्कोप रेजुलेशन बोलूं या कॉलन कॉलन बोलूं, कोड ब्लॉक्स नाउ, मैं बोल रहा हूं रन कर दो, हमें दिक्कत नहीं है, हम वेट कर रहे हैं रन होने का। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। ओके, कुछ समस्या आ गया क्या इसको रन होने में? कोई इसमें समस्या आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना बेस मशीन फिर चालू कर लूंगा Ubuntu का, शायद हो सकता है मैं कुछ इसमें छेड़छाड़ किया रहा हूँ, पासवर्ड डिलीट करा रहा हूँ कुछ फाइल वाइल, फिर से मैं इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, शायद मैं बीच में कुछ डिलीट उलीट मारा है कुछ फाइल, तो इसीलिए हो सकता है कि वो ना हो रहा हो, ठीक है। ये देखिए कोड ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ये डेवलपर C++ जो मैंने पहले करा था, ये कोड ब्लॉक आ गया, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो दिक्कत हो गया। ये बोल रहा है कि नीड 86 bit Ubuntu योर कंप्यूटर 64 bit देन कॉन्टेक्ट ऑफ पब्लिशर, ये 32 bit का नहीं है, ये 64 bit का हो गया, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, आपका कंप्यूटर अगर 64 bit का है ना, चल जाएगा आपके कंप्यूटर में, लेकिन मेरा कंप्यूटर अभी ये 32 bit का है तो नहीं चला, ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं दूसरा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ कोड ब्लॉक का, मेरे पास है दूसरा भी सॉफ्टवेयर, मैं इंस्टॉल कर लूंगा, इंस्टॉलेशन आप जान ही गए हैं, ठीक है, तो मैं चुपचाप ऑलरेडी एग्जिस्ट है कर इंस्टॉल चुपचाप, फालतू के भाषण दे रहा है। चलिए इंस्टॉल हो जाता है, इसको मैं रोक देता हूँ, मेरा टाइम ये देखिए जी,
तो मैंने लोअर वर्जन वाला इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, मैं विंडो 10 के लिए उसको इंस्टॉल कर रखा था मैंने, ठीक है, नेक्स्ट छोड़ दिया, फिनिश कर दिया। अब ये कोड ब्लॉक जो है ये रन होने के लिए रेडी है। मैं क्या करूंगा जी, ये देखिए बोल रहा है करंट डिफॉल्ट कंपाइलर GNU GCC कंपाइलर, राइट, मतलब इसमें GCC पहले से इनबिल्ट है। ओके, अब क्या करूंगा मैं, ओके पे क्लिक कर दूंगा जी। अब यहां पे क्रिएट प्रोजेक्ट, पता नहीं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यहां पे आऊंगा, ठीक है, आऊंगा न्यू पे और न्यू एम्प्टी फाइल पे क्लिक कर दूंगा, या फिर क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा न्यू एम्प्टी फाइल पे क्लिक कर दूंगा, एम्प्टी फाइल बन के रेडी हो गया। यहां पे मैं क्या करूंगा जी, इसको मैं सेव कर देता हूं, ठीक, यहां पे सेव कर दूंगा, किस नाम से, HELLO.C, ठीक, C++ का प्रोग्राम .cpp से होता है, ठीक, कर दूंगा इसको सेव, .c नाम से सेव करा। अब इसमें मैं कोड लिखूंगा, तो int main लिखा, ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, print f, ठीक है, इसमें क्या करूंगा, HELLO, ठीक, टर्मिनेट किया। अब इसको मैं सेव कर देता हूं फिर से एक बार। अब मैं क्या काम करूंगा जी, आना इधर, इधर मैं आ जाता हूं, आता हूं इसमें, फिर आता हूं इसमें, फिर आता हूं इसमें, फिर आता हूं ये माय डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो ये देखिए जी बन गया है। अब आप देखिएगा, ठीक है, सीधा exe फाइल तो बनता नहीं है जी, ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, फिर प्री प्रोसेसर, लिंकर, बहुत कुछ चलता है, लेकिन ये सब मैं बता के आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं अभी। ये आइकन जो है, ये सारे आइकन जो है रन कंपाइल बिल्ड वगैरह के हैं। मैं क्या करूंगा, डीबग में जाऊंगा जी, ठीक है, यहां पे कर दूंगा कंपाइल करंट फाइल, क्या सॉफ्टवेयर बटन है, Ctrl Shift F9, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कंपाइल कर दूंगा करंट फाइल, ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखिए hello.exe बन गया यहां पे। अब इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये चल जाएगा, चल गया, लेकिन फिर से गायब हो गया स्क्रीन। ये ओ एक तो फाइल बन गया ओ नाम से, hello.o, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है, तो मैं आपको बाद में कोशिश करूंगा कि बताऊं ऑब्जेक्ट फाइल कैसे बनता है, क्या बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, तो कंपाइलर में बहुत सारे प्रोसेस होता है, लेकिन अभी मैं तुरंत ना बता के नहीं कर रहा हूं कुछ कॉम्प्लिकेटेड। इसको चलाना है जी, तो आप चाहे तो कोड ब्लॉक से ही चला सकते हैं, बिल्ड में जाऊंगा, रन पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए आ गया ना, ये यही लिखा था ना मैं, ओ हेलो, पता नहीं क्या क्या लिख दिया था, ये देख लीजिए। अब इसको मैं क्या करूंगा, अगर डॉस के जरिए चलाऊं तो क्या होगा, चलेगा, हाँ जी चलेगा, इसको मैं डॉस के जरिए चला रहा हूं, ठीक है, HELLO hello.c नहीं exe, ठीक, ये है सॉफ्टवेयर, एंटर मारा, ये देखिए आ गया ना आउटपुट, आ गया। तो इसी तरह से जो है आपका डॉस का, डॉस पे जो है रन करके मैं दिखा दिया आपको, तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना लोगे, किस पे, कोड ब्लॉक हो या फिर डेवलपर C++ हो, मैंने आपको दोनों पे बता दिया, ठीक। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ ले, क्या मैं कुछ कुछ कोड अभी लिखा आपके सामने, मैंने अभी कुछ कुछ कोड लिखा ना, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में आऊं, ठीक है, तो यहां पे hello.c नाम से मैंने कुछ कुछ कोड लिखा, यस, ठीक है, डेवलपर C++ से ओपन कर दिया, ये मैंने लिखा था कुछ कोड, ठीक है, कोड ब्लॉक पे लिखा था या डेवलपर C++ पे लिखा था, कुछ कोड लिखा था ना, तो ये जो कोड लिखा यही तो प्रोग्राम बनाया मैंने, तो यही बनाया था मैं प्रोग्राम, ठीक। कोई और किसी के मन में कोई प्रश्न, हाँ याद करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि प्रोग्रामिंग के नियम कानून हम समझ जाएं, सिंटैक्स समझ जाएं, लिखने का तरीका समझ जाएं, प्रोग्रामिंग में सब कुछ याद करना संभव नहीं है, जैसे फंक्शंस वगैरह। लेकिन आपने जो कहा कि डबल कोट में आपने ये लिखा है, बिना डबल कोट के क्यों नहीं लिख देते थे, यही आपने कहा ना, तो ये सब नियम कानून है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा, तो नियम कानून हम याद कर लेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। और कोई प्रश्न किसी को पूछना है, नहीं पूछना है, पूछना है,
कोई प्रश्न और? ठीक है, तो हम पहला प्रोग्राम हमने बना लिया, मैंने दोनों पे आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, ये बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए रन होके आ गया। ठीक, अब एक ऐसा आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें कि जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूं तो आपका नाम बोले वेलकम। ठीक, नाम पहले वेलकम लिखे फिर आपका नाम ले ले। ठीक, कैसे होगा मैं बता रहा हूं, INT MAIN मेन, ये जो मैंने छोटा कोष्टक दिया है इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस ब्रेसेस ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, राइट। और जो इस तरह का दिया हूं कर्ली ब्रेसेस, इसको बोला जाता है जो मझला कोष्टक है या सर्पाकार कोष्टक है या पता नहीं क्या क्या कोष्टक है, मैं इसमें कहते हैं यहां पे बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस, राइट। तो आपको इतना लिखना है किसी कीमत पे, ठीक, फिर लिखना है PRINTF, प्रिंट एफ लिखना है। ठीक है, फिर सेमी कॉलन देना है। सेमी कॉलन कब कब देना है? प्रत्येक स्टेटमेंट में सेमी कॉलन देना है। ठीक, आपका प्रत्येक स्टेटमेंट में सेमी कॉलन देना चाहिए, क्यों? ताकि पता चल सके कि ये मेरा स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो गया। स्टेटमेंट मतलब आप लोग समझ रहे हैं कथन, आप एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, आपका बोलना बंद हो जाता है तो आप पैरा फुल स्टॉप दे देते हैं ना, फुल स्टॉप दे देते हैं, अंग्रेजी में डॉट लगा देते हैं, मतलब क्या हुआ आपका वो स्टेटमेंट खत्म हो गया। ठीक, तो वैसे ही यहां पे एक स्टेटमेंट एक लाइन आपने लिखा, वो लाइन लिखने के बाद वो स्टेटमेंट माने वो कथन खत्म हो गया तो सेमी कॉलन दे दिया। ठीक है, तो यहां पे यही ये सेमी कॉलन है। ठीक, ये सेमी कॉलन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, या फिर मैं विंडोज प्लस मारता हूं आप देख दिख रहा होगा। ठीक, तो ये है आपका सेमी कॉलन। ठीक, तो प्रत्येक स्टेटमेंट में सेमी कॉलन लगाना है। अगर आपको स्टेटमेंट कथन नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ लो अभी की जितना लाइन लिखेंगे सभी लाइन के आखिरी में सेमी कॉलन लगा देंगे। सभी लाइन के आखिरी में तो सेमी कॉलन नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप अभी समझो इतना कि सभी लाइन के आखिरी में सेमी कॉलन लगा देना है। ठीक, ये प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ क्या है? एक फंक्शन है। ठीक, ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा फंक्शन। ठीक है, लेकिन आप अभी रट ही लो कि फंक्शन जो है हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाना है मैसेज, तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ लिख देंगे। कैसे? अगर कोई शब्द दिखाना है, शब्द समझ रहे हैं आप, ए बी सी डी क ख ग घ तो इसमें आएगा नहीं अभी। ठीक है, कोई शब्द दिखाना है, ए बी सी डी दिखाना है, कोई वर्ड, तो क्या करेंगे, एक कानून कहता है कि डबल कोट के अंदर दिखाना। ठीक, जैसे मैं क्या कर दिया, वेलकम SEMANT, क्या मैं कर दिया, ठीक, मेरा ये बटन ओ धीरे दबाऊंगा तो नहीं करेगा। ठीक, मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब क्या करूंगा, ये जो मैसेजेस मैंने डबल कोट के अंदर लिखे हैं ये मैसेजेस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है, इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे क्लोज करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में हम जो भी चीजें लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक, मैं क्या करूंगा, आऊंगा यहां पे, ठीक है, और यहां पे बिल्ड कर दूंगा, ठीक है, या कंपाइल करंट फाइल कर दूंगा या रन कर दूंगा। ठीक है, बिल्ड करेंगे तो ये सिर्फ बिल्ड किया, मैंने कंपाइल कर दिया आप ये मान लो। ठीक है, और रन पे क्लिक करूंगा तो ये रन हो गया, ये देखिए आ गया वेलकम। यहां पे मैं क्या करता हूं ना, स्लैश एन दे देता हूं ऐसे, स्लैश एन दे देता हूं ऐसे। अब ये क्या होगा आप देखना, मैं कंपाइल और रन एक बार करना चाहता हूं तो बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए अब आ गया। अब तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना, चलिए जी। तो स्लैश एन का क्या मतलब है, स्लैश एन का मतलब ये है, ये कौन सा स्लैश है आप समझते हैं, बैक स्लैश, ठीक है, तो स्लैश एन का ये मतलब है कि देखिए इसको मैं पहले डिलीट मारता हूं फिर से रन करके इस पे इस साइन पे क्लिक करूंगा, अभी मेरा कर्सर यहां है। ठीक, तो ये कर्सर जो है ना, कर्सर को अगले लाइन पे ले जाता है, क्योंकि जहां पे आपका जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, ये जहां पे होगा लिखाना वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या काम करूंगा कि ये कर्सर को मैं अगले लाइन पे ले जाऊंगा। अगले लाइन पे कर्सर को ले जाने के लिए क्या किया जाता है, स्लैश एन, तब वो जाता है अगले लाइन में कर्सर। ठीक, बिल्ड रन किया तो
ये देखिए आ गया अगला लाइन में, आ गया ना। अब इसी को मान लीजिए मैं कट किया और यहां पे मैं लगाता हूं, यहां पे पेस्ट कर दिया, आप समझ रहे हैं। चलिए जी यहां पे पेस्ट कर दिया तो ये देखिए ऊपर एक लाइन छोड़ के फिर वेलकम प्रिंट हुआ। ठीक, वेलकम का स्पेलिंग यही है क्या कि ये है, कुछ भी हो हमको क्या लेना देना है, प्रिंट तो हो ना रहा है। ठीक, चलिए मान लीजिए कोई नंबर प्रिंट करना है, अगर कोई नंबर प्रिंट करना है तो आप डबल कोट के अंदर दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक, लेकिन वो स्ट्रिंग में बाद में ये सब बताऊंगा, लेकिन आप चाहेंगे तो नंबर को बिना कुछ डबल कोट के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसको समस्या हो गया जी, नहीं प्रिंट किया है, हैंडल नहीं कर पाया नंबर को। ठीक है, ये देखिए स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो जी आप डबल कोट के अंदर ही नंबर को भी प्रिंट करना है, इसको समस्या आ गया। ठीक, क्यों आया वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर कुछ भी आप डालेंगे तो होगा। ठीक, अब डबल कोट बिना कोट के अगर हमने प्रिंट किया था नंबर को तो समस्या क्यों आया, हम इसको देखेंगे आगे। ठीक है, इसको हम आगे देख लेंगे जी। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया आप लोगों को, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न है नहीं है? नहीं है प्रश्न, है प्रश्न? किसी को कुछ नहीं पूछना है, कुछ पूछोगे? ये प्रोग्राम सब से बन जाएगा ना अपना नाम प्रिंट करने का, नहीं बनेगा? तो आप बार बार जो है प्रैक्टिस करो जी। ठीक है, फिर क्या होगा आपको भी समझ में आ जाएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्या किया, माई नेम इज, ठीक लिख दिया। अब मैं चाहूं तो दूसरे लाइन यहां से शुरू कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे क्या कर दूंगा, ACA में एंटी लिख दिया। ठीक है, मैं क्यों बार बार शिफ्ट दबा देता हूं। अब इसको मैं रन कर देता हूं जी, एक ही लाइन में सब आ गया ना। क्यों? क्योंकि कर्सर तो उसी लाइन पे था, नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है तो हम क्या करेंगे, स्लैश यहां पे एन दे देंगे। ठीक, अब बिल्ड और रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए अगले लाइन पे आ गया ना। चलिए, तो इस तरह से आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर बन गया जिससे में कि ये चीजें जो है प्रिंट हो रहा है। प्रोसेस रिटर्न जीरो, पता नहीं क्या क्या है बोल रहा है। ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन क्यों आ रहा है, ये दो लाइन इसलिए आ रहा है, एक कोड ब्लॉक आईडी के थ्रू मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं, इसलिए जो है ये चीजें आ रहा है। ठीक, क्लियर कंटेंट करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो कोई प्रश्न है आपके मन में तो बताइए, ये चीजें आपको समझ में आ गया इतना? इसमें किसी को कोई पूछना है कुछ, इसमें किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना किसी को? चलिए जी, तो आउटपुट देना आपको समझ में आ गया, आउटपुट नहीं समझ में आया? आउटपुट देने का मतलब कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना, स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है जी, तो आप यही चीजें लिखोगे। ठीक, अब हम कल से क्या करेंगे, कुछ और ज्यादा भारी भरकम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इतने में रहने दूं मैं आज, या फिर और आगे कुछ बता दूं, बताइए। एक छोटा सा चीज आज देख लेते हैं कि लाइनक्स के थ्रू सी का प्रोग्राम कैसे बनेगा, चलेगा, और फिर जो मैंने कंपाइलर लेके आऊंगा और नोटपैड पे बना के कंपाइल करूंगा उसको दिखा दूं आप लोग को। चलिए दिखा देता हूं अभी आपको, तो इसको मैं बंद कर देता हूं और फिर उसमें रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है जी। मैंने विंडोज में क्या करा था, GCC कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर ऐसा ID डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, अलग अलग कैसे होता है मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो GCC कंपाइलर
जीसीसी कंपाइलर ही था जो आईडीई में था, इनबिल्ट था, ठीक है। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, जीसीसी कंपाइलर अलग से इंस्टॉल करता हूं। कैसे इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको इंस्टॉल करने का निर्देश आपको दिखाई दे देगा। मेरे को याद है सुडो, क्या लिख रहा हूं मैं, सुडो एपीटी इंस्टॉल, सुडो एपीटी इंस्टॉल जीसीसी, एंटर, पासवर्ड मारूंगा इसमें एंटर, ये देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बोल रहा है। आप गूगल पे करोगे ना इंस्टॉल जीसीसी इन उबंटू तो आ जाएगा कमांड, फटाक से आ जाएगा। ये देखिए जी आ गया ना, ये देखिए इंस्टॉल जीसीसी आ गया, देखिए ये देखिए अब बोल रहा है कि पहले अपडेट कमांड चलाओ, फिर अपग्रेड कमांड चलाओ, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा कमांड चलाओ, ये बिल्ड इंसेंशियल कुछ बोल रहा है, जीसीसी इंस्टॉल क्यों नहीं बोल रहा है, पता नहीं ये क्या क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन वर्जन, वेरिफिकेशन के लिए वो बोला, ठीक है, मैंने जो कमांड मारा आप वही मार के इंस्टॉल कर लेना जी, ठीक है, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस आप क्या करोगे करके, ठीक है, ये भी वैसे ही बोल रहा है कि इंस्टॉल करना, ठीक है, मैंने तो सीधा जीसीसी लिख के एंटर मार दिया, हो गया इंस्टॉल, ठीक है, नेट पे वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, खैर छोड़िए। तो ये क्या बोल रहा है, जीसीसी इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन 4.9. कुछ 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 बोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, बोल रहा है कि पहले से इंस्टॉल कर लियो भाई, अब काय के लिए फिर से इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल हो चुका है हमारा जीसीसी कंपाइलर, मैं इस नोट पैड पे करूंगा क्लिक, ठीक, यहां मैं क्या करूंगा, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाऊंगा, हैज इंक्लूड, ठीक है, हैज इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ऐसे करूंगा, ठीक है, फिर आई एन टी मेन, ठीक है, और यहां पे क्या कर दूंगा, पी आर आई एन टी एफ, और यहां पे आऊंगा, फिर यहां पे लिख दूंगा एच ई एल एल ओ यू वन टू, ठीक, ये कर दिया मैं, बस काम खत्म, इतना ही तो करना है, बड़ा आसान काम है ना, हाँ, फिर क्या करूंगा मैं एच ई एल एल ओ डॉट सी, सी नाम से मैं सेव कर दूंगा, स्मॉल भी हो सकता है, कर दिया सेव मैं, ठीक, अब राइट क्लिक करूंगा, करूंगा टर्मिनल ऊपर, ठीक, इसको मैं मिनिमाइज करूंगा, टर्मिनल को साइड में लाऊंगा, यहां पे अभी सी है, अभी कोई भी सॉफ्टवेयर बना नहीं है, ठीक, देखना मैं क्या करूंगा, जी सी सी लिखा, जी सी सी में, ठीक है, कंपाइलर का नाम है, फिर स्पेस किया, फिर क्या किया, हेलो डॉट सी, एच ई एल एच ओ डॉट सी लिखा, एंटर मारा, ये देखिए कंपाइल जैसे हुआ तो ए डॉट आउट जो है हो गया। अब ए इसका नाम क्यों हुआ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो है ये ट्रू है, हम चाहेंगे तो नाम भी दे देंगे इसमें, ठीक है, अब इस ए को चलाना है तो क्या करेंगे जी, मैं यहीं पे चला देता हूं जी, ए डॉट ओ यू टी, एंटर मारूंगा, ये कुछ और बोल दिया जी, नॉट फाउंड, अब मैं क्या करूंगा, डॉट स्लैश करूंगा, तो मतलब करंट फोल्डर में यही है जी, इसी को चलाओ, एंटर किया, ये देखिए आ गया ना हेलो यूबंटू। अब लाइन को ब्रेक नहीं किया, क्यों नहीं ब्रेक किया, क्योंकि कर्सर यही था, यहीं से आ गया, ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ आप लोग तो बहुत विद्वान आदमी है, यहां पे आऊंगा क्या कर दूंगा, स्लैश एंड, ठीक, स्लैश एंड कर दिया, स्लैश एंड करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब सिलेक्शन हो गया, अब इसमें बदलाव किया मैंने इस फाइल में, तो फिर से कंपाइल करना पड़ेगा मेरे को, ठीक, तो फिर से कंपाइल करने के लिए क्या करूंगा, जीसीसी हेलो डॉट सी, फिर से कंपाइल करा, लंबा चौड़ा एरर आ गया जी, ओपन करता हूं मैं, क्या एरर आ गया जी, अच्छा ओपन तो यहां पहले से अच्छा नहीं है, ओपन देखते हैं इसको क्या समस्या आ गया, इस सज्जन को क्या तकलीफ हो रहा है,
अखंड अपराध में तो कर दिया, ब्रैकेट को नहीं लगाया। चलिए ये किया, हेलो डॉट जीसीसी मैंने लिखा, ठीक है, फिर से कंपाइल करूंगा, कहेंगे कुछ चेंजेस किया है मैंने, एंटर मारा, ये देखिए बन क्या गया ना, ए डॉट आउट। अब इसको चलाना है डॉट प्लस ए डॉट ओ यू टी, एंटर मारा, लाइन को ब्रेक करके आ गया। तो आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या क्या करना पड़ा, सबसे पहले जीसीसी नाम का कंपाइलर हमने डाउनलोड किया, फिर एक तो टेक्स्ट एडिटर लाया, टेक्स्ट एडिटर में हमने कोड लिखा, फिर मैंने क्या किया यहां पे आके कंपाइल करा पहले, फिर एक बार कंपाइल करा तो एक बार मैंने रन करा, इतना ही स्टेप फॉलो किया ना मैं। और आईडी में क्या हो रहा था विंडोज में, बस कुछ नहीं, कोड लिखा, एक क्लिक मारा, कंपाइल हो गया, रन हो गया, बड़ा आसान काम है ना आईडी में। तो हमें यह सब आईडी नहीं होता तो ये समस्या आते, तो इसलिए आईडी आ गया। तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन सबको इनबिल्ट करके नहीं होता है, ठीक। तो आईडी क्या क्या जरूरत था, आईडी से क्या क्या फायदा होता है, आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, आ गया ना, नहीं आया? अब कोई प्रश्न हो तो आप बताओ, मैं उसका उत्तर दे दूं, फिर आप कुछ मन करे तो प्रैक्टिकल कर लो। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आया बताइए। इस ए डॉट आउट को मैं अब देख रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है जी, मालूम क्या याद आ रहा है, याद मुझे ये आ रहा है कि मैं एक चीज बताया था आपको, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। आपने तो बहुत अच्छा से रख लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो सामने कमले साहब को मालूम है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है सी? नहीं मालूम था ना, तो इन्होंने बताया तो आपको समझ में आ गया, नहीं आया समझ में? डिपेंडेंट का मतलब नहीं समझा आपने, आप बताइए जरा डिपेंडेंट का मतलब। आपको समझ में आया क्या बात, समझ में आया क्या, समझ में आया? समझ में आया तो नहीं बता सकते, क्यों बता क्यों नहीं सकते भाई, आपको समझ में आ जाए इसका क्या प्रमाण है, आप मुझे बताएंगे तब तो प्रमाण मिलेगा ना मुझे, बताइए। देखिए आपके मार्कशीट देखने के बाद मुझे पता नहीं आप ज्ञानी हैं कि नहीं है, ये बात पता चलेगा कि नहीं चलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप जब कुछ बोलते हैं तो आपको आपके वक्तव्यों से आपके परफॉर्मेंस से समझ में आता है कि सामने वाला कितना ज्ञानी है, ठीक। तो आप जरा बताइए भी आपको क्या समझ में आया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब। चुप। देखिए डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर लाइनेक्स पे मैंने कंपाइल करा तो लाइनेक्स पे ही रन होगा, अगर मैंने विंडोज पे प्रोग्राम को मैंने सोर्स कोड लिया था और जीसीसी लिख के एंटर मारा था ना अभी, तो कंपाइल किया था मैंने प्रोग्राम, रन नहीं किया था, कंपाइल करने के बाद ए डॉट आउट लिख के एंटर मारा तो रन किया था वो, क्लियर? आपके सामने भी आपने देखा। तो कंपाइल अगर मैं लाइनेक्स पे करूंगा तो सॉफ्टवेयर लाइनेक्स पे ही चलेगा, और विंडोज पे कंपाइल करूंगा तो विंडोज पे ही चलेगा, यही कहलाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मान लीजिए लाइनेक्स पे मैंने कंपाइल करा, विंडोज पे भी रन कर लिया, लाइनेक्स पे तो रन कर ही लूंगा तो विंडोज पे भी रन कर लिया, तो क्या कहलाएगा वो, इंडिपेंडेंट। तो सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, सी प्लस प्लस भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। ये आप देखें कुछ जावा जावा वगैरह लिखा हुआ है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को हम कोशिश करूंगा कि कल जो है अच्छे से और समझे हम, और लाइव हम चला के देख ले विंडोज का सॉफ्टवेयर जो है लाइनेक्स पे, और लाइनेक्स पे कंपाइल किया हुआ विंडोज पे चलता है कि नहीं चलता है, ठीक। चलिए जी, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताइए, कोई प्रश्न?